हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, श्रेष्ठ धन योग बनने जा रहा है, क्योंकि ये जो समय है ये समय आपके लिए धन कारक रहेगा। आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, श्रेष्ठ राजयोग बनने जा रहा है। ये जो राजयोग बनने जा रहा है, धन योग बनने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या परिणाम लाएगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये योग क्योंकि सूर्य 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, 16 जुलाई से लेकर आने वाले एक महीने लगभग 15 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त, फिर 16 अगस्त को परिवर्तन करेंगे। तो ये एक महीने का लगभग जो समय है, तो ये कर्क राशि में गोचर करेंगे सूर्य। तो कर्क राशि में गोचर करते हुए सूर्य शुक्र के साथ युति करेंगे, इसीलिए ये बड़ा श्रेष्ठ योग बन जाता है, जिसे वैभव योग कहते हैं, यानी कि धन प्रदान करने वाला योग, और भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि में गोचर करना आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सूर्य आपके पंचमेश होते हैं, सूर्य आपके लिए कारक ग्रह होते हैं मेष लग्न वालों के लिए, और फिर आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव से भी संबंध बनाएंगे। तो ये सूर्य का गोचर आपके जीवन में प्रिय दर्शकों करियर को लेके बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। ये करियर में आप चाहते थे कि सैलरी में वृद्धि हो जाए, धन वृद्धि हो जाए, तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके करियर में धन वृद्धि कराने वाला, आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। जहां अभी तक लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, वहीं आपका सहयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति इसमें बनने वाली है, जो लोग सरकारी क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपके एग्जाम है और या तो आपका इंटरव्यू है, तो ये समय होगा जो कि आपका साथ देगा, आपको सफलताएं दिलाने वाला होगा। और जो लोग पहले से सरकारी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय यदि आपके जॉब में परिवर्तन हो सकता है यदि, तो इस समय संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ के ठेका लेते हैं, है ना, तो उनके लिए भी सरकार से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई व्यापार है, आप सरकार के साथ काम करते हैं, कोई भी ठेका लेते हैं, कोई जिम्मेदारी लेते हैं और वहां पर आप काम करते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, यदि आपके पद में आपके जो जॉब कर रहे हैं या आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें यदि प्रमोशन हो सकता, आगे बढ़ सकते हैं, तो इस समय मौका है, इस समय प्रयास करिए, क्योंकि ये लगभग एक महीने का समय है और यहाँ पर जनता का भी सहयोग मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे नेता हैं, तो यदि आप राजनेता हैं और आप अपने, क्योंकि देखिए चुनाव समय समय पर अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, तो यदि चुनाव से संबंधित कोई स्थितियां आगे इस महीने में आने वाली हैं बीच में, तो इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अब समझिए चुनाव अभी नहीं आने वाला, ठीक है आगे आएगा, तो चुनाव में क्या रणनीति बनाना है, कैसे क्या लोगों का किनका सहयोग लेना है, उसके लिए समय आप प्रयास कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको सहयोग मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, जो आपके साथ इसमें काम करने वाले उनका सहयोग मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग भूमि भवन संबंधित कोई चीजें प्राप्त करना चाहते, घर खुद का चाहते हैं, लग्जरी की चीजें चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं यहाँ वहां, क्योंकि बहुत लोगों का जो है तो ये सपना होता है कि हम यहाँ घूम ले वहां घूम ले, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है लग्जरी चीजों के लिए। यानी कि जीवन में यदि आप भोग विलास में विश्वास रखते हैं, और क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में भोग विलास में ही लगा हुआ है, तो ये सब चीजें इस समय आपको प्राप्त होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में सहयोग करेगा। हाँ, परंतु ये है कि आपको अपने मन को स्थिर अवश्य रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मन आपका यहाँ भटक सकता है,
तो मन को स्थिर रखिए, बाकी समय आपके लिए अच्छा है। और देखा जाए तो ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं सरकार से संबंधित क्षेत्रों में, उनके लिए भी ये समय धन लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो ये समय सूर्य का ये जो परिवर्तन है काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए, तो बस तैयारी करिए और मेहनत करिए। उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके तो प्रातःकाल उठिए, इससे भी सूर्य प्रसन्न होते हैं, और उठ के स्नान आदि करिए, अर्घ दीजिए, पूजन करिए, तो इससे भगवान सूर्य आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में यदि सूर्य से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो वो भी दूर होती हैं। और प्रिय दर्शकों, ये जरूर है कि आपको अवश्य अपनी जन्म कुंडली चेक करनी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है और शुक्र की क्या स्थिति है और साथ में चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो तीनों ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होगा, तभी आप कन्फर्म कर पाएंगे कि हाँ ये रिजल्ट आपको मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि जो मैंने बताया आपके गोचर के हिसाब से बताया कि इस समय मेष राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए कैसा गोचर है, परंतु 50% आपका गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।